फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट एंड अशोक लेलैंड दोनों शेयर की बात करेंगे। और इस शेयर में, इस वीडियो में हम लोग 20 मई के टारगेट की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस शेयर में 20 मई को हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग साइड, दोनों साइड, ठीक है। तो अभी हम लोग अशोक लेलैंड की एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। तो एशियन पेंट को जब हम लोग यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक सपोर्ट के पास में है, और ये 3000 का सपोर्ट बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अगर इसके नीचे फिर से एक बार क्लोजिंग मिल जाता है, तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और वो नीचे के लेवल्स काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके कल की बात करें कि कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो कल की बात करने के लिए यहाँ पे मैं, अगर ये ठीक है नीचे की ओर 3020 को निकालता है, 3020 को नीचे की ओर निकालता है, तो हमारे लिए नीचे की ओर पहला जो टारगेट होगा वो होगा 3010 का, ठीक है। एंड दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 3000 का। याद रखें, ये पहले 3020 निकालेगा, तब हमारे लिए 3010 एंड फिर 3000 का नीचे की ओर टारगेट होगा। लेकिन अगर ये ऊपर का लेवल निकालता है, 3070 को ऊपर की ओर ब्रेक करता है ये, तो हमें ऊपर के जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 3080 एंड उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 3090 का, ठीक है। तो याद रहे, ये इसी कहीं बीच रेंज में कहीं ओपन होना चाहिए, एंड उसके बाद जिस ओर भी ब्रेक करेगा लेवल्स, तो हमें वैसे ही लेवल देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड की। तो अशोक लेलैंड में जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अशोक लेलैंड में हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और अभी ये इसी रेंज में क्लोज हुआ है, अभी एक तरीके के रेंज में ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर अगर ये 122 को ब्रेक करता है, नीचे की ओर 122 को अगर ब्रेक करेगा, तो हमें जो नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहला टारगेट 121.30 का, ठीक है। पहला टारगेट होगा 121.30 का, नीचे उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 120, ठीक है, 45 का, ठीक है। तो ये हमें नीचे दोनों टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है 125 के लेवल को, तो हमें 126 का लेवल एंड 126.85 का लेवल देखने को मिलेगा। एक बात याद रखें, अगर हमें इसमें नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिलता है, तो बहुत तेज़ी से हमें टारगेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तो टारगेट अचीव होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आपको कोई भी डिसीजन अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें मैं नेक्स्ट डे के लेवल बताऊं, तो हो सकता है मैं डेली 4-5 वीडियो ऐसे पोस्ट करूं जिसमें 3-3 शेयर्स होंगे, जिससे आपको नेक्स्ट डे में ट्रेड करने में आसानी होगी। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे, थैंक यू।